नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा जियो 365 Di के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर की बात करें तो ये ट्रैक्टर 36 हॉर्स पावर का है। और इस ट्रैक्टर की सिलेंडर्स की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में कुल 3 सिलेंडर्स मिलेंगे। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की पीटीओ हॉर्स पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 30 हॉर्स पावर का पीटीओ मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की गियर्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कुल 16 गियर मिलेंगे। इनमें से 8 फॉरवर्ड गियर्स होंगे और 8 बैकवर्ड गियर्स होंगे। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है 900 kg। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक है 35 liters। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर के टायर्स के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अगले टायर है 8-16 के और पिछले टायर 12-24 के। तो किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर आपको 4-wheel drive में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको इस ट्रैक्टर में ऑयल इमर्ज ब्रेक विथ 3 discs मिलेंगे, यानी कि तेल में डूबे हुए ब्रेक, साथ ही 3 discs के साथ। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर के स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो इस ट्रैक्टर के आगे की तरफ स्पीड है 23 km/h। और इस ट्रैक्टर के रिवर्स स्पीड के बारे में बात करें तो इस ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड है 21 km/h। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर के वारंटी के बारे में बात करेंगे। तो इस ट्रैक्टर की कुल वारंटी है 2 साल और 2000 घंटे। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के क्लच के बारे में बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल ड्राई क्लच मिलेगा। आपको इस महिंद्रा जियो के अंदर पावर स्टीयरिंग मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको इस ट्रैक्टर में 4-wheel drive भी मिलती है। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो इस ट्रैक्टर की प्राइस है लगभग 5 lakh से 5,50,000 तक। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की पावर काफ़ी अच्छी है। ये बगीचे में स्प्रे करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है और बाकी खेती के काम भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो आप एक छोटे किसान हैं तो आपके लिए ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।